तो हमारे साथ मौजूद हैं आकाश प्रधान के फादर सुदाना प्रधान जी, को खुद गाते हैं। तो उसका हुनर कहाँ से मिला उसको? जैसे सर, वो बचपना से, वो जब छोटा समय से उसका ही ऐसा लालसा था कि वो गुनगुनाता था। गुनगुनाते गुनगुनाते एक ऐसा समय आया कि मैं उसको यानी कोई अपसेट माइंड तो नहीं हो गया सोच रहा था। फिर थोड़ा सा जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते गया, जब दसवीं में जाके पहुंचा, तो दसवीं में कुछ सॉन्ग्स लिख रहे थे, तो उस टाइम मैं खुद देखा, मैं क्यों करके मैं भी एक राइटर हूँ, उड़िया लिखता हूँ और गाता भी हूँ, बजाता भी हूँ, तो मैं उसका जो सॉन्ग लिखा है उस सॉन्ग को मैं देखा और मैं सोचने लगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा कुछ लिख रहा है। तो तब वो लिखा, फिर एक दिन मैं उससे पूछा, बाबू कि ये किस लिए लिखता है, क्या सॉन्ग है? ऐसे बोलने के बाद, ये रैप सॉन्ग है पापा, ऐसे बोलने के बाद, मैं तो रैप सॉन्ग के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसने खुद वो गाना को गाया और मेरे को सुनाया, तब मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है। जैसे आसपास के जो लोग हैं और आकाश से जुड़े हुए जो लोग हैं, जब उनसे मुंह से आप अपने बेटे की प्रशंसा सुनते हैं, उनके आकाश के बारे में आप जब सुनते हैं, तो आपको कैसा लगता है आकाश के बारे में? मेरे सीना और चौड़ा हो जाता है, गदगद लगता है, मेरा बेटा क्यों करके अच्छा रैप सॉन्ग लिख रहा है। और मैंने अभी के इस डेट में अभी हजार लोगों ने उनका वीडियो देखा और सब जने सब्सक्राइब कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों की दया दृष्टि रहे कि आकाश जी आगे चलकर आप लोग की सहयोग बना रहेगा, तो आगे चलकर और कुछ करके दिखाएगा। जैसे कि हमें मालूम चल रहा है कि आकाश पिछले 5-6 साल से अपने जो राइटिंग का काम है और जो सिंगिंग का काम है लगातार कर रहे हैं, तो अभी तक उनको कोई मंच मिला क्यों नहीं, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, अभी तो हम एक परिस्थिति में गुजर रहे हैं, आर्थिक परिस्थिति में, हमें गरीब आदमी हैं, उस मंच तक ले जाने के लिए हमारे पास कोई औकात नहीं है। जब हम सवेरे निकलते हैं, कहीं जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, तब जाके लाने के बाद ही अपना चूल्हा जलता है। तो इस परिस्थिति के कारण से ही आकाश जी को कुछ मंच नहीं मिल पाया। तो आकाश के बारे में कुछ ऐसी खास बात हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताऊँगा, क्यों करके वो बचपना से ही एक मेहनत काम करता है, और ऐसा उसके माइंड में है कि मेरे 3-3 बहन है करके, वो सवेरे से मेरे साथ ये सामने है, ईंट बनाता है, टंगली पकड़ता है, लकड़ी फाड़ता है, फिर कहीं मजदूरी के लिए भी चला जाता है। और दोनों बाप बेटे का थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे हमारे परिवार का मेंटेन करके चलाते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है क्या आकाश आगे चल के? जरूर जरूर, उसके पास ललक है, वो कला को आगे ले जाएगा, क्यों करके मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा किस स्तर में, इतना परिश्रम करने के बावजूद भी इस कला को सवेरे से शाम तक रहता है, मजदूरी से रिटर्न होने के बाद भी वो अपना खाता और कलम को नहीं छोड़ता। जी जी, वो लिखाई में अभी तक के भी, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेगा, उसके बाद वो अपना खाता कलम लेके सामने बैठता है। चलिए, उम्मीद करते हैं भविष्य में आकाश रैपर्स की इस दुनिया में अपना एक अलग नाम कमाएं, और जो आकाश है ज़मीनी स्तर पर छोड़ के आसमानों के आकाश तक, जहां से पूरा दुनिया उसके लिए एक दिन खड़े होकर ताली बजाए, यही हम लोग कामना करते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप, मेरा भी एक आशा है, विश्वास है कि आप लोगों को सहयोग रहे और आकाश जी को आकाश तक ले जाएगी।